ठीक है, आपको ज़्यादा लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी से तैयारी करेंगे तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो जाएगा। चलिए, 25% ऑफ ₹76, बताइए 76 रुपया का कितना परसेंट होगा, बताओ तो जल्दी बताइए, आप लोगों के पास 10 सेकेंड है। 25% ऑफ 76, तो चलिए 25/100 × 76, क्लियर है? देन 4 से डिवाइड कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा 4 से, देखिएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन 3 6, 4 9 जा 36, देन कितना हो जाएगा 19, ये क्या हो जाएगा 25, देन 25 25 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 90 रुपीज़ 90, देखिए 25% है, ठीक है, 76 रुपया का 25% कितना होगा, ठीक, तो आपका 19 रुपया हो जाएगा। आप लोग ऐसे समझिए, मैंने अभी 2300 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाया, SIP में, ऐसे मान लीजिए, इसका हमको रिटर्न मिलेगा 15%, ठीक है, तो ₹2300 का 15% कितना होगा बताइए तो आप लोग, देन ₹2300 का 15% 15/100 × कर देंगे, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, ठीक है, 15% ऑफ 23, देन 15 × 23, 5 3 15 1 3 1 5 3 15 1 3 1 3 1 4, 5 2 10 1 2 1 2 1 3 5 4 3, क्या हो जाएगा 345, 345 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक, तो हमारा अब क्या हो जाएगा ये पैसा साल भर में 345, 5 4 6 2। मैं यहाँ किसी कंपनी का मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक मार्केट में ऐसे पैसा बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ा है कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी अपनी सेविंग्स को SIP में इन्वेस्ट करो, देखो क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ ₹132, मैंने भी अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा था, कभी कभी पूछता हूँ तो बता सकते हैं, कुछ स्टूडेंट बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सच्ची बता दूंगा, सच्ची वो सभी बता देंगे, नहीं कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। 20/100 × 132, क्लियर है? देन दिस और दिस कैंसिल एंड हटाई, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने वाला है नहीं, क्योंकि 2 और ये 5 आ जाएगा, 5 से तो ये डिवाइड होने वाला बिल्कुल नहीं है, तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड फाइनली 2 1 जा 2, 264 और नीचे क्या है 10, देन 26.4 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बस सीधा सा, ठीक है, जो आपको नहीं लग रहा है, जैसे आपको चांस नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको डिवाइड ही करना, नहीं, 10 है उसका यूज करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे जैसे 77.5% ऑफ 600 मीटर, मान के चलिए 600 मीटर का आपको 7.5% निकालना है, कितना होगा, ठीक, देन 7.5/100, जो भी परसेंटेज को हटाएं, अभी डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 × 600, क्लियर, तो 100 ये 2 0 कैंसिल, अब यहाँ से आपको होशियारी नहीं करना है, ठीक, अब इसको इसको कटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस 75 × 6/10 करना है, 6 5 जा 30, लेफ्ट 3, देन 6 7 जा 42 और 3, 40 और 2 और 3, 45, क्लियर है, 10, 0 0 कैंसिल, बस 45 मीटर आपका क्या जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 4 में है 3 1/3 ऑफ 900 किलोमीटर, 3 3 9 और 1 10/3, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, फिर 900, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। आपका 8.5%, तो परसेंटेज को हटाइए तो 100, डेसिमल को हटाइए तो 10 × 5, क्लियर है? अब समझिए आप लोग, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई कर दी, 5 5 जा 25 लाख 2, 5 8 जा 40 और 2,
बाय कितना जीरो हो जाएगा, 3 0, 2 और 1 3, तो सीधी सी बात है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट गिन के हम लोग डेसिमल लगा देंगे, 0.425 क्या हो जाएगा हमारे पास, kg। ऐसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो, चलिए मेरा यहीं तक रहने दीजिए, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 1000 से, जैसे 400.0 है ना, तो इसको हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, और इसको बस 100 से मल्टीप्लाई की केजी से ग्राम में जाने के लिए हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, देन कैंसिल, देन 425 ग्राम। ठीक, अब ये नहीं सोचिएगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, पॉइंट में है तो ये केजी दोनों इक्वल ही है, बस समझदारी लेके आना है आप लोगों को। 20% 20/100 12 लीटर 12, क्लियर, 10 और 10 कैंसिल, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 24 by 10, देन क्लियर 2.4 लीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा।